नमस्कार दोस्तों, गूगल डूडल मिचियो सुजीमोरा का 133वां जन्मदिन मना रहा है। जापान की कृषि की पहली महिला डॉक्टर मिचियो सुजीमोरो का सम्मानित करने के लिए गूगल ने एक नया डूडल लाया है। मिचियो सुजीमोरो एक जापानी कृषि वैज्ञानिक और जैव रसायन शास्त्रज्ञ थी, जिनका शोध ग्रीन टी के घटकों पर केंद्रित था। वह कृषि में डॉक्टरेट की उपलब्धि प्राप्त करने वाली जापान की पहली महिला थी। मिचियो सुजीमोरा का जन्म 17 सितंबर 1888 को जापान में हुआ था। उन्होंने अपना प्रारंभिक करियर विज्ञान पढ़ाने में बिताया। 1920 में उन्होंने हाइको इडो इंपीरियल यूनिवर्सिटी में एक वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए अपने सपने का पीछा किया, जहां उन्होंने जापानी रेशम कीट के पोषक गुणों का विश्लेषण करना शुरू किया। कुछ सालों बाद सुजीमोरा टोक्यो इंपीरियल यूनिवर्सिटी में स्थानांतरित हो गए और डॉक्टर उमेतो सुजुकी के साथ हरी चाय की जैव रसायन पर शोध करना शुरू कर दिया, जो विटामिन B1 की खोज के लिए प्रसिद्ध थे। उनके संयुक्त शोध पता चला कि हरी चाय में विटामिन सी की महत्वपूर्ण मात्रा होती है। हरी चाय में कई अज्ञात आण्विक यौगिकों में से पहला, जो माइक्रोचिप के तहत प्रतीक्षा कर रहा था। 1929 में उन्होंने कैटेचिन चाय की एक कड़वी सामग्री अलग कर दिया। फिर अगले साल उसने टैनिन को अलग कर दिया और इन निष्कर्षों से उनकी डॉक्टरेट थीसिस ऑन द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द ग्रीन टी की नींव रखी गई। जब उन्होंने 1932 में जापान की पहली महिला डॉक्टर के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपने शोध के अलावा डॉक्टर सुजीमोरो ने एक शिक्षिका के रूप में इतिहास बनाया। जब वह 1950 में टोक्यो महिला उच्च सामान्य स्कूल में गृह अर्थशास्त्र के संकाय में पहली डीन बने। आज एक स्मारक पत्थर ओकेगावा सिटी के अपने जन्मस्थान पे बनाया है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई मिचियो सुजीमोरा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।